बच्चे यहाँ आओ। जैसा आप देख सकते हैं, हमारा मेन एग्जीबिशन आपको इस जगह का इतिहास बताता है। एक जमाने में यहाँ पेड़ पौधे पूरे इलाके में फैले हुए थे। मेरा गार्डन भी इससे बेटर है। चलो शुरू करते हैं इस मिट्टी से, इस पवित्र धरती की मिट्टी जो वैसी की वैसी है जब से धरती बनी है। देखो इसे, सूंघो इसे, महसूस करो, हमारे देश की मिट्टी आज भी जिंदा है इतिहास के एहसास से। जिंदा है, जिंदा है। बहुत हंसी आ रही है, लेकिन ये सही कहा मैंने, ये मिट्टी बिल्कुल जिंदा है। देखो इसके अंदर की जिंदगी देखो। मुझे कीड़े पसंद हैं। हम इन्हें पकाकर खा भी सकते हैं। चुप रहो। इन कीड़ों को हम खा भी सकते हैं ना? ऐसा क्यों? संभल कर कीड़ों पर पैर मत रखना। सब लोग चलो, जल्दी जल्दी सारे कीड़े इकट्ठे करो। मैं इन्हें हाथ नहीं लगा सकता, मुझे कुछ हो गया तो। ओहो, डरना बंद करो, ये सिर्फ कीड़े हैं। मिस, मुझे बहुत जोर से सुसु आई है। हाँ हाँ जाओ, लेकिन ऐसे कूदना बंद करो। इस सब के लिए कोई जिम्मेदार है जिस पर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, बहुत ज्यादा। मिस लवली, ये सारे पेड़ और पौधे तो बहुत ही अच्छे हैं, है ना? ए, मेरे लिए रुको। दूसरा वाला लंच के बाद ले आएंगे। वाह, क्या टोपी है, और तूने स्कर्ट पहना है। मुझे हाथ मत लगाओ। क्या इसने कुछ कहा? वो पुतला ये बोलता भी है। अच्छा, अच्छी बात है, तुम चुपचाप अपनी क्लास में जाओ बच्चों। नहीं, वो मेरे भाई की क्लास है, मेरी क्लास इस तरफ है। कैमरा टीम और साउंड टीम कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। क्या आवाज निकाली थी, वो बच्चा अब किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। बाय बाय। ये तुम थे क्या? नहीं। तुमने कुछ कहा क्या? चलते रहो बच्चों, नॉर्मन विलेज की तरफ सीधे सीधे चलो। अलेक्जेंडर पोरस का जमाना, सॉरी आल मॉडर्न टाइम, कभी भी नहीं। स्पेशल एग्जिबिशन, आहा, डायनासोर। हेलो, कोई अंदर है? Wow! Hey, तुम्हारा नाखून चाहिए? ये रहा। ओ, ये क्या? रुको रुको बच्चे, सिक्योरिटी, लड़का बाहर की तरफ आ रहा है। उसने नीले और पीले स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट पहनी है। मैं
आपको कह रहा हूँ, आप पछताओगे। हमें हेनरी की बात मान लेनी चाहिए थी। किसने सोचा था कि जिन मुर्गियों को हम खाते थे वो मेरे हेनरी को ही खा जाएगी। आज के बाद मैं कभी ऑमलेट नहीं खाऊंगी। हेनरी, बैठ जाओ। अब कुछ जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। हेनरी, एक थप्पड़ पड़ेगा, जरा भी चूचा की ना तो उल्टा लटका दूंगा। बाहर निकलो हेनरी। निकाल कर तो दिखाओ। ठीक है, पर जितने स्टेप्स मैं लूंगा तुम्हें उतने ही थप्पड़ पड़ेंगे। गिनती शुरू करो। एक थप्पड़, दो थप्पड़, तीन थप्पड़, चार थप्पड़। देखता हूँ इन्हें, बड़े आए मुझे थप्पड़ मारने वाले। बदबू आ रही है, पॉटी कर दिया क्या पीटर? मामा, हेनरी मुझे चिढ़ा रहा है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। सुनो हेनरी, तुम पीटर को उसके नेचर प्रोजेक्ट में हेल्प क्यों नहीं करते? जरूर। मधुमक्खियों का छत्ता, ये तो हमें काट सकती है ना? बोलो ना। अगर तू गाना गाएगा तो वो तुझे नहीं काटेंगी और तुझे प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स मिलेंगे आराम से। अच्छा, मधुमक्खी मधुमक्खी आ जा तू, गाओ पीटर गाओ, मुझे नहीं काटो, मुझे नहीं काटो। पीटर, मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहो। कुछ नहीं होगा पापा, मैं गा रहा हूँ ना। हेनरी ने कहा गाने से मक्खियाँ नहीं काटती, मुझे नहीं काटना। पीटर रुको, वो काट भी सकती है, नीचे उतरो। पीटर, पीटर, तुम्हें सचमुच थप्पड़ की जरूरत है हेनरी। मैंने क्या किया? पापा ने ही तो कहा था कि पीटर की हेल्प करो, तो मैंने कर दी। इसे हेल्प कहते हैं? तो आप ही बता दो किसे कहते हैं। पीटर, चलो हेनरी। आइडिया, सकते। जितनी जल्दी हम उस सड़े लेक तक पहुँचेंगे उतनी जल्दी मैं घर जाके टीवी देख सकता हूँ। चलो चलो जल्दी भागो, कितना मजा आ रहा है। ये हुई ना बात हेनरी। चलो चलो। इधर काटा, उधर काटा, काटा काटा। चल रे बोंधुराम, जो लास्ट पहुँचेगा वो अंडा। सच में उसे दे दिया। क्या बात है, सच में खूबसूरत है। बहुत अच्छा है। इसका तो रंग उतर गया। लगा तेरी सड़ी गन के लिए मैं तुझे गोल्ड ऑन दे दूंगा, इसके लिए मुझे कोई और अच्छा ऑफर चाहिए। मंडे को तुम लोग अपने बेस्ट खिलौने लेकर आना, अगर पसंद आया तो मैं ये एक्सचेंज कर लूंगा। पता नहीं मॉम कब सीखेगी चाबी छुपाना। ये मिल गया, मुझे कोई केक से दूर नहीं रख सकता। हेनरी, ये सब क्या हो रहा है? केक खा रहा हूँ, भूख से मर रहा था। हेनरी, तुम मर नहीं सकते, मैं तुम्हें
तो मर नहीं सकते। पीटर क्या हुआ? मामा, जिससे भी गोल्ड ऑन मिलता है उसे बैड लक भी मिलता है, पर हेनरी ने मेरा गोल्ड ऑन ले लिया मुझे बचाने के लिए, पर अब वो मरेगा। हेनरी, मन तो कर रहा है कि अभी एक थप्पड़ लगा दूं, वापस करो गोल्ड ऑन, नहीं तो टीवी बंद। पर मम्मी, मुझे कल स्कूल ले जाना है। हेनरी, मुझे गोल्ड ऑन चाहिए। अब मेरा इन लोगों से पीछा छूटेगा? एक पैकेट ब्रेड, एक पैकेट चीनी, एक पैकेट। ओ हेनरी, मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ, तुमको कुछ चाहिए क्या? आप नहीं जा सकती, मतलब अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, और मैं नहीं जा सकता जब तक मैं अपना पूरा रूम साफ नहीं करता। हाँ, दिमाग तो ठीक है ना? इतनी अच्छी बातें कैसे कर सकते हो? Yes, Mom, कॉर्नफ्लेक्स खत्म हो गया है, हमें और पैकेट लेने हैं। हेनरी, थप्पड़ पड़ेगा। जल्दी करो, कॉर्नफ्लेक्स खरीदने हैं। ठीक है, पर सिर्फ एक पैकेट। ये नहीं चाहिए। कौन सा? हाँ, वो वाला। मिल गया। तुझे थप्पड़ देना चाहिए लड़के। हेनरी, इतना तमाशा किया है आज इसने। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सारे पैकेट्स खरीदने पड़े। इन पैकेट्स का क्या अचार डालेंगे? एक महीने तक नो टीवी और साथ में पॉकेट मनी भी कट। जाओ अपने रूम में और नीचे मत आना। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। अब हम इन सब का क्या करें? हेनरी को तो दे नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं, पर मुझे पता है कि इन सब का क्या करना है। तो लूजर्स, क्या लाए हो मेरे लिए, मेरे इस गोल्ड ऑन के बदले में? हेनरी, चलो मॉम की मदद करो। बचाओ! हेनरी, संभल के। हेलो बच्चों। दरवाजा खुला था इसलिए हम बिना बेल बजाए अंदर आ गए। ओह, कितना गंदा है। मैनर्स कहाँ है, गरीबों से ऐसे बात नहीं करते। जाओ और सारे तोहफे उस क्रिसमस ट्री के नीचे रख दो, और ये सब तुम्हारे लिए है बच्चों। मुझे क्रिसमस के लिए मिल रही है एक पेंट गन। अच्छा, मुझे भी वही मिल रही है। और एक बूम बूम बेशो। मुझे भी। और ये तो सिर्फ मम्मी की तरफ से है, सैंटा की तरफ से कुछ और मिलेगा। हाँ, अगर मुझे देने के बाद कुछ बचा तो। बच्चों, जाओ बाहर जाकर खेलो और सबसे बड़ा स्नोमैन बनाओ। ओके। देख बेलूजा, मैं जीत रहा हूँ। अच्छा बच्चू, मुझसे होशियारी। हाँ।
हो गया। ये एक स्नोमैन नहीं है। हाँ, स्नोमैन के पंख नहीं होते। मामा। हाँ, अब ये दिख रहा है स्नोमैन की तरह। ए, रुक जा, ये मेरा भाई है। ओह, तुम कितने अच्छे हो हेनरी। तो इसे सिर्फ मैं ही तोड़ूंगा। मेरा वाला सबसे बड़ा है। नहीं, मेरा बड़ा है। मेरा बड़ा है। मैं फंसा हुआ हूँ। नहीं, मैं तुझसे ज्यादा फंस गया हूँ। नहीं, मैं ज्यादा फंसा हुआ हूँ। पीटर कितना सुंदर है। मैंने अपने हाथों से बनाया है। और मैंने अपने लिए खास बनवाया है। मामा, मैं ये पूछना भूल गया कि सांता कब आने वाले हैं। बहुत जल्द आएंगे बेटा। काश वो भी अभी आ जाए। हाँ, फिर तू और तेरा भाई मुंह लटका कर देखना मेरे सारे तोहफे। क्रिसमस के दिन मांगना नहीं देना चाहिए। चुप कर मच्छर। देखो, अगर तुम मेरी हर बात मानोगे तो मैं तुम्हें अपनी पेंट गन दे सकता हूँ। क्या कहना है? बड़ा आया, मेरे पास अपनी गन होगी। चल हट, कुछ देर में सब कुछ पता चल जाएगा बच्चू। यही होगी मेरी फेवरेट पेंट गन। मेरी क्रिसमस। स्टीव, क्या स्टीव के लिए, स्टीव के लिए, ये भी स्टीव के लिए, स्टीव स्टीव, और मेरे लिए मुझे। ओह नो, फिर से यही। ऊप्स। हाँ, मुझे लगता है स्टीव को मुझसे ज्यादा जरूरत है मोजो की। एक ना एक दांत तो गिरना ही चाहिए। गिर जा, गिर जा। अबे गिर। चिपको कहीं के, हिल तो सही। ऐसे चिपके हैं सबके सब जैसे गोन से चिपके हो। बेटा हेनरी, चॉकलेट खाने से दांत गिरते हैं। थे कि कोई सीमेंट की दीवार। क्यों, तुझे तो चिपकू टॉफी पसंद नहीं है ना? हाँ, क्योंकि ये मेरे दांत में चिपकती है और मेरे दांत इस चॉकलेट में चिपकेंगे। दुश्म, समझ गया। दांत नहीं चिपक रहे हैं क्या? मेरा मुंह ही चिपक गया। कुछ कर। क्या? मैं कुछ करूं? अभी आया। ठीक है, रुक। एक, दो, तीन। अब तक नहीं हिला। मोटे मेरी जान, मुझे तू पसंद नहीं है। वो मेरी ही टॉफी है, मैंने ही तेरे सिर पर दे मारी है। आ, तोड़ मेरे दांत, सच में। ऐसा क्यों? अबे क्यों, काम मत सोच, बस मार, ज्यादा सोच मत। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों के बच्चे? मार बोला ना, उठा तेरा हाथ, दे एक मुक्का मेरे मुंह पर और तोड़ दे मेरे दांत, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तेरी कसम। ऐसा क्यों? काम बना कि नहीं है? नहीं, एक लात मारूं? एक गिरा हुआ दांत, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शुरू होता है मिशन दांत गायब। हेनरी, क्या चल रहा है ये सब? क्या कुछ कुछ नहीं, मुझे लगा पीटर सपने में हैंडी हैंडी चला रहा था, इसलिए देखना चला गया। मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई है वो। हाँ ठीक है, तो तुम अब अपने कमरे में जाओ तुरंत और सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। अब कल सुबह पैसे मुझे मिलेंगे। कहाँ है मेरे पैसे? मामा, डैड, हेनरी, मुझे दांत के बदले 10 रुपए मिले हैं। क्या 10 रुपए? पर दांत तो मैंने रखा था, ये नहीं हो सकता। मॉम। बोलो हेनरी। मॉम, अगर किसी का दांत गिरा, पर वो गिरा हुआ दांत उसके तकिए के नीचे नहीं है और किसी और के तकिए के नीचे मिला, तो कैसा पता चलेगा कि गिरा हुआ दांत किसका है? हेनरी, तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? नहीं मॉम, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ऐसे ही पूछ रहा था? वैसे दांत किसका टूटा है ये पता लगाना बहुत आसान होगा हेनरी। कैसे? जिसका दांत टूटा होगा उसके बीच में गैप होगा। गैप? हाँ वही तो। ओके चलता हूँ मॉम। हेनरी, ये कोई जगह है बैठने की? मार्गरेट, चुप कर हेनरी, तुम वहाँ उस गेट से नहीं आ सकते थे, ये कोई तरीका है आने का? ये एक इमरजेंसी है, मुझे तेरे दांत चाहिए। हाँ? उफो, तेरे ड्रैकुला वाले गंदे कॉस्ट्यूम के दांत, अब समझ में आया? ओ अच्छा, इसके बदले तू क्या करेगा? इसके बदले में ये ठंडा ऑरेंज जूस चाहिए। दांत चाहिए कि नहीं हेनरी? मजा आ गया बॉस, बुड़बुड़ सर तो क्लास ही नहीं ले पाए क्योंकि किसी के पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं थी। राल्फ, तू अपना टाइम वेस्ट मत कर। अच्छा, देख अभी तू डर जाएगा, मम्मी को स्कूल से फोन आया था, कल स्विमिंग का एक्स्ट्रा क्लास है, समझा क्या? कल? और स्विमिंग कॉम्पिटिशन भी है। स्कूल का टाइम हो गया हेनरी, 8 बज गए हैं, आज स्विमिंग क्लास है। देख तो किसी को मत बोलना एंड्रयू, अभी अभी एक्वेरियम से एक शार्क भाग गया है। क्या शार्क? हाँ, इंसान खाने वाला खूंखार शार्क, और वो इस तरफ आ रहा है, तो संभाल कर रहना। हेनरी ने बोला शायद हमारे पूल में शार्क हो सकता है। शार्क तो समंदर में रहते हैं, उन्हें पूल का पानी पसंद नहीं है। मुझे भी ये पानी पसंद नहीं, लेकिन इसमें स्विम करता हूँ मैं। हाँ सही बोला यार। सॉरी यार, इस बार भी डरना भूल गया। तुझे तो नानी याद दिला के रहूंगा। आज तो मैं टाइम पे हूँ सर। चलो सब लोग पूल में उतरो। हेनरी, आज फिर से कोई? सॉरी सर, आज मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि। कोई बहाना नहीं चलेगा इस बार, समझे? और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अगर तुम्हें सर्दी, खांसी, बुखार, पीठ दर्द, सिर दर्द, नाक का दर्द या कान का भी दर्द हो,
चलो चड्डी पहनो। मैं तो पहनना चाहता हूँ सर, लेकिन बैड न्यूज है, मैं अपनी चड्डी भूल गया। पता था, एक्स्ट्रा है मेरे पास, ले लो। ये सब कौन पहनेगा सर? मैं तो नहीं। गहना पहन लो। अब मुझे पूरे 5 राउंड्स लगाने हैं, वो भी बिना डूबे। हेनरी पानी में उतरो। ये तो डरपोक है सर, पानी से भी डरता है। मैं नहीं डरता सड़ेली मार्गरेट। हाँ, मुझे पानी पसंद है, ये देख। हेनरी तैरो। जब तक तुम अपना 50 मीटर्स का टारगेट पूरा नहीं करते, तब तक तुम्हें मेडल नहीं मिलेगा। हेनरी के लिए एक स्पेशल मेडल बनाना चाहिए, डूबते हुए कबूतर के जैसा। देख, ये लो, 5 चक्कर लगा लिए, बहुत आसान। अब बाहर निकलू क्या? हेनरी, तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? एक्चुअली कभी इसके बारे में सोचा नहीं। मैंने कहा तैरो ठीक से। 3 फीट वाले साइड में जाओ और प्रैक्टिस करो। तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगे जब तक तुम 50 मीटर्स का टारगेट पूरा नहीं करते। तीन फीट में भी कोई स्विमिंग करता है क्या? क्या हुआ पचके? मुझे तो स्विमिंग सीखने में बहुत खुशी हो रही है। ए, दिखता नहीं है क्या? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मैं देख रहा था कहीं कोई शार्क तो नहीं। शार्क? आइडिया फटे। एंड्रयू, वो शार्क के बारे में लेटेस्ट न्यूज, वो तो ड्रेनेज पाइप में चला गया है। नहीं। हाँ, तो शायद वो उस पाइप से उतरकर यहीं कहीं आया हो, वो डीप वाले साइड में। नहीं। हाँ, किसी को बताना मत। सिर्फ विलियम को बोलूंगा। ओके ठीक है, जा, विलियम को बताएगा तभी तो मेरा काम होगा ना। काम हो गया। क्या हुआ, कोई तैरता क्यों नहीं है? आज तो आपको मेडल्स मिलने वाले हैं। हमें तैरना नहीं है सर। और अगर शार्क ने खा लिया तो? शार्क ने खा लिया? अभी इसी वक्त पूल में नहीं उतरे तो मैं खुद सबको खा जाऊंगा, सच कहता हूँ। जाओ।